Chef, what you should. हर पल मनाओ केसरी त्योहार विमल बोलो जुबान केसरी। इन लोगों को सच्चाई से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। हमारी महागठबंधन की सरकार ने बिहार में चाहे पिछड़े हो चाहे अति पिछड़े हो चाहे दलित हो या आदिवासी हो, हम लोगों ने जाति आधारित गणना के बाद जो है आरक्षण की सीमाएं को बढ़ाया है, 75% किया है। ये काम क्यों नहीं अमित शाह बोलते हैं? और जब हम लोगों ने कहा कि शेड्यूल लाइन में डालो तो काहे नहीं डाल रहे भाई शेड्यूल लाइन में? ये लोग झूठे लोग हैं। इन लोगों ने केवल झूठ की खेती की है अब तक, और देश के लोग समझ चुके हैं इनको। और इस बार तभी ना हालत खराब है। नौकरी के एजेंडे में इन लोगों को रोड पे ला दिया है। इसलिए बीजेपी का पूरा सफाया बिहार से तो हो ही गया, और हमने कहा था चौंकाने वाला रिजल्ट लाएंगे, और चौंकाने वाला ही नहीं बल्कि ऐसा रिजल्ट लाएंगे ताकि एनडीए की सरकार केंद्र में नहीं बने। वो कह रहे हैं कि अगर इंडिया अलायंस की सरकार आई तो पूरे देश में लालू जैसा जंगल राज का हालात हो जाएगा, अमित शाह कह रहे हैं। लालू जी जब यूपीए की सरकार ने आरटीआई लाने का काम किया, फूड सिक्योरिटी बिल लाने का काम किया, राइट टू एजुकेशन लाने का काम किया, यूपीए की सरकार ने मनरेगा लाने का काम किया, यूपीए की सरकार ने लालू जी ने 90,000 करोड़ का मुनाफा रेलवे को दिलाने का काम किया, रेलवे मंत्री रहते लालू जी ने हर बजट में किराया कम किया, बिहार में 3-4 रेलवे का कारखाना देने का काम किया, स्लीपर में जो गरीब चलते थे वो भी एसी में चले, गरीब रथ जैसे ट्रेनें देने का काम किया लालू जी ने। जो काम किया हार्वर्ड से लेके एनसीआर यूनिवर्सिटी तक लोग उनसे पढ़ने आते थे, मैनेजमेंट गुरु के नाम से कहलाए जाने लगे। अगर ये भाजपा के नजर में जंगल राज है तो आज जो नरेंद्र मोदी जी के राज है वो राक्षस राज है। नरेंद्र मोदी बिहार आ रहे हैं, पटना में रोड शो भी है, क्या कहेंगे? सड़क पे ले आए उनको, नौकरी के एजेंडे ने उनको सड़क पे ले आया है। मोदी जी जरा बिहार को विशेष राज का दर्जा आपने देने की बात की थी, जरा बता दो, 10 साल हो गए अब तक नहीं मिला। एक चीनी का मिल मोदी जी ने खोल पाए बिहार में। पटना सेंट्रल यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं दिया इन्होंने। किस मुंह से पटना आ रहे हैं? जवाब देना पड़ेगा हमको ही नहीं, अपने साथी को भी जवाब देना पड़ेगा, और साथी को भी जवाब देना पड़ेगा कि उनका मांग अभी भी बरकरार है कि नहीं। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि 1944 से बीजेपी के साथ में है। तेजस्वी जी, नीतीश कुमार कह रहे हैं कि 1944 से हम बीजेपी के साथ हैं। उनके परिवार पर भी अटैक किया है फिर से। क्या क्या मतलब है भाई? हमारे चाचा हैं, कुछ भी बोलते हैं, हम लोग छोटे लोग हैं, किनके साथ नहीं है वो, सबके साथ है। छोड़िए, और कोई बात नहीं ना, चलिए। तो नहीं।